हम लोग उस दिन बता दिए थे आपको अकाउंट्स 5 टाइप्स के होते हैं, एक्सपेंस, बात नहीं सदफ, इनकम, कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स, जिसमें एक्सपेंस का डेबिट और एसेट्स का डेबिट नेचर होता है पक्का, और इनकम का क्रेडिट, कैपिटल का क्रेडिट, लायबिलिटीज का क्रेडिट। तो नियम क्या बनता है, जब जब ये बिजनेस में बढ़ेगा या तो घटेगा, पक्का बढ़ेगा तो सेम करेंगे, एक्सपेंस जो नेचर होता है, एक्सपेंस को डेबिट, इनकम को क्रेडिट, कैपिटल को क्रेडिट, लायबिलिटीज को क्रेडिट और एसेट्स को डेबिट। घटने पे उल्टा करते हैं, एक्सपेंस को क्रेडिट, इनकम को डेबिट, कैपिटल को डेबिट, लायबिलिटीज को डेबिट और एसेट्स को क्रेडिट। ये था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसको फेयर कीजिएगा, आज रिपीट कीजिएगा पेज 1 आज का, ठीक है? फाइनल हो गया, मतलब इतना का जो पढ़ाएं बस इसमें काम का चीज यही है पक्का, बस इसमें किताब में यही दिया हुआ है, हम जो आपको पढ़ाएं एक्स्ट्रा पढ़ाएं, किताब में यहीं से काउंटिंग शुरू होता है। चलिए अब आगे बताएंगे, आज पढ़ेंगे हम लोग ये रूल है, अब हम लोग रूल को अप्लाई करना सीखेंगे पक्का। आज हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ रूल। एप्लीकेशन ऑफ रूल, एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में नहीं जानना है। अब एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, अप्लाई करना, टू अप्लाई। अप्लाई का मतलब क्या, हमको यूज करना। आपको सिखा दिया साइकिल ऐसे चलाओ, और जब साइकिल चलाएंगे कैसे, तो अप्लाई करेंगे ना रूल को, और सामने देखो पैडल चलाओ, ये आपको रूल लिखा दिया, और बाद में क्या करते हैं उसको आप लोग अप्लाई करते, नहीं गलत की सही। मम्मी कैसे किचन में डायरेक्शन देती है, दूध में पानी मिलाओ, चीनी चपत्ती मिलाओ और खोलाओ, चाय बन जाएगा, तो वो रूल हुआ। अब जब किचन में जाएंगे तो क्या करेंगे आप, उस रूल को अप्लाई करेंगे, सस्पेन लेंगे, दूध लेंगे, सच में पानी लेंगे और खोलाएंगे, तो क्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन, उसको आप लोग अप्लाई कीजिएगा, समझे? तो एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, रूल को यूज करना, टू अप्लाई पक्का। तो रूल को अप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, इसका नियम समझिए। पहले हम अकाउंट्स को सब तरफ आराम से लिख लेंगे, ये बार बार आएगा, रिपीट हो, यादें हो जाएगा आपको, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल, लायबिलिटीज और एसेट्स। इसमें एक्सपेंस का बताया है डेबिट, इनकम का क्रेडिट, कैपिटल का क्रेडिट, लायबिलिटीज का क्रेडिट और एसेट्स का डेबिट। और इसके पहले आपको बताया था कुछ भी करेंगे अकाउंट 5 ही क्रिएट हो गया, तो एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल, लायबिलिटीज बताया था ना, कितना भी कैश आ जाए, लेकिन अब क्या क्रिएट करेगा आपका, ये एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल, लायबिलिटीज और एसेट्स। दूसरी बात, हर एक ट्रांजेक्शन का 2 इफेक्ट होता है, बताया था ना, इसीलिए इसका नाम पड़ा है डबल एंट्री सिस्टम, क्लियर? चलिए हम इसमें से एक एक शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं, हम एक्सपेंस का एग्जाम्पल लेते हैं, अभी सिखा रहे हैं, बाद में आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। हम पहला एग्जाम्पल लिए रेंट पेड, मतलब आपने रेंट किसी को दिया तो क्या होगा, सबसे पहला हम क्या देखेंगे, सबसे पहला हम देखेंगे कैश, जैसे रेंट पेड करेंगे कैश, कैश आपका एसेट्स होता है, तो एसेट्स में आपका कैश घट जाएगा पक्का। और दूसरा क्या होगा, आपका रेंट पेड करें, रेंट आपका एक्सपेंस है, तो रेंट नाम का खर्चा बढ़ा, रेंट पेड करने से खर्चा बढ़ा आपका, क्लियर? अब नियम लगा के देखेंगे, ये बढ़ रहा है तो बढ़ने पे क्या करते हैं, सेम, तो डेबिट का डेबिट करेंगे, करेंगे ना, और घटने पे उल्टा करते हैं, डेबिट का क्रेडिट। तो यहाँ पे हम देखिए क्या, कैश क्रेडिट हुआ तो कुछ ना कुछ डेबिट हुआ पक्का, समझ में आई चीज? चलिए सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम, किसका, इनकम का। यही अगर आपका रहता रेंट रिसीव्ड तो क्या होता, रेंट रिसीव्ड तो आपके लिए इनकम हो जाता ना, बिल्कुल। तो पहले हम सबसे पहले क्या देखे, कैश हमारा बढ़ता, रेंट रिसीव करते तो कैश बढ़ता और इनकम भी बढ़ता। चलिए तो ऐसा नहीं कोई घटेगा बढ़ेगा, देखिए यहाँ एक बढ़ा एक घटा, यहाँ पे दोनों बढ़ा, ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, ये मत समझे आप,
रहे ना ये पॉइंट? चलिए, तो यहां पे हम क्या देखें, कैश बढ़ा तो क्या होगा, सेम डेबिट का डेबिट, और बढ़ा तो सेम क्रेडिट। तो देखिए यहां पे फिर नोटिस करेंगे, कैश डेबिट हुआ है तो कुछ ना कुछ को क्रेडिट कर दिया, गलत की सही, जब क्रेडिट हुआ तो कुछ ना कुछ को डेबिट किया, जब डेबिट हुआ तो कुछ ना कुछ को क्रेडिट किया। तो हम सिखाए थे ग्राफ से कि दूसरा इफेक्ट उल्टा होता है और हो रहा है नियम के हिसाब से। चलिए तो हो गया, अंजलि आपको समझ में आ रहा है। चलिए तीसरा, कैपिटल का, मालिक ने कैपिटल लगाया तो हम लोग उसको बोलते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल इंट्रोड्यूस, मतलब ये अलग तरह का लाइन, इंट्रोड्यूस का मतलब लगाना, नहीं हम किसी को इंट्रोड्यूस कराते हैं, परिचय कराते हैं ना किसी से, तो लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग पूरा चेंज है, यही इसीलिए इंग्लिश हम लोग को तकलीफ हो जाता है। कैपिटल इंट्रोड्यूस का मतलब ऐसा नहीं कैपिटल को परिचय करवाया, कैपिटल इंट्रोड्यूस का मतलब पूंजी लगाया, समझे आप, कैपिटल लगाया, यहाँ पर इंट्रोड्यूस का मतलब लगाना होता है, और हम लोग इंट्रोड्यूस का मतलब समझते हैं क्या, परिचय कराना, नहीं इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, नहीं बोलते हैं, तो ये थोड़ा इंग्लिश प्रॉब्लम करेगा, तो आप धीरे धीरे आप लोग का भी ठीक हो जाएगा। तो बिजनेस में कोई पूंजी लगाएगा, कैपिटल लगाएगा तो क्या होगा, आपका कैश बढ़ेगा बिजनेस में, और दूसरा क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो कैश बढ़ेगा तो क्या हुआ, डेबिट, और कैपिटल बढ़ेगा तो सेम क्रेडिट। तो फिर देखिए आप, कैश जब डेबिट हुआ तो कुछ ना कुछ वो क्रेडिट कर दिया, किसको क्रेडिट कर दिया, कैपिटल, क्लियर है। चलिए तो अभी इसका एग्जाम्पल ले लिए, एक्सपेंस का, इनकम का भी ले लिए, कैपिटल का ले लिए, अब चौथा हम लेते हैं लाइबिलिटीज का, और पांचवा लेते हैं एसेट्स का। चलिए तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऊपर, मैंने तो भुला जाइएगा, चौथा में क्या है, लोन है ना, चौथा में लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटी एग्जांपल लेते हैं, बैंक लोन रिसीव्ड, कहने का मतलब बैंक लोन रिसीव्ड का हिंदी मीनिंग क्या होगा रानी, बैंक लोन रिसीव्ड का आपका नाम रानी है, आप तो राजा हैं, हाँ अमन, हम क्वेश्चन किससे पूछे हैं, रानी बताइए बैंक लोन रिसीव्ड का मतलब क्या होता है, बैंक से लोन लिया, समझ रहे हैं काफी है, ठीक है ना, शुद्ध हिंदी निकालना मीनिंग जरूरी नहीं है, खाली सेंस समझना है कि हम समझ रहे हैं, यही इंग्लिश है। तो बैंक से लोन लेंगे रानी तो बताइए क्या होगा, सबसे पहला कैश ध्यान दीजिए, कैश, कैश क्या होगा, बैंक से लोन, कैश आपके पास आएगा कि जाएगा, बढ़ेगा मतलब कैश, दूसरा क्या होगा, लाइबिलिटीज, बैंक लोन आपका लाइबिलिटीज है ना, तो बैंक लोन नाम का लाइबिलिटीज बढ़ जाएगा, बैंक लोन नाम का लाइबिलिटीज बढ़ेगा, तो बढ़ता है तो सेम डेबिट का डेबिट, और बढ़ता है तो सेम क्रेडिट। तो देखिए कैश जब डेबिट हुआ तो बैंक लोन क्रेडिट, कुछ ना कुछ क्रेडिट हुआ पक्का। लास्ट एग्जांपल एसेट्स का, मोबाइल परचेज्ड, आपने मोबाइल परचेज किया, मंतसा बताइए क्या होगा, सबसे पहला कैश देखना है, कैश घटेगा एकदम सही, दूसरा क्या होगा, मोबाइल क्या है आपके लिए, नहीं मोबाइल क्या है आपका, एसेट्स है तो एसेट्स के नीचे ही लिखेंगे मोबाइल, एसेट बढ़ेगा कि घटेगा मोबाइल खरीदने से, बढ़ेगा, चलिए तो कैश घटा, घटने पे उल्टा करते हैं डेबिट का क्रेडिट, और बढ़ने पे सेम करते हैं डेबिट का डेबिट। तो देखिए जब कैश क्रेडिट हुआ तो कुछ ना कुछ को डेबिट कर दिया पक्का, इतना मीनिंग समझ गया क्या, अब पांचों का एग्जाम्पल दे दिए, ध्यान से देखिए समझ में आ रहा सबका, एक एग्जाम्पल हम एक एक्सपेंस का एग्जाम्पल लिए, जब हम एक्सपेंस का एग्जाम्पल लिए तो हम क्या देखे, जब जब कैश आपका क्रेडिट हो रहा है तो कुछ ना कुछ डेबिट हो रहा है, हुआ क्रेडिट
रेंट डेबिट हुआ, जब रेंट रिसीव किए, जब कैश आपका डेबिट हुआ तो कुछ ना कुछ क्रेडिट हुआ, क्या क्रेडिट हुआ? रेंट, पक्का? जब कैपिटल लगाए तो कैश डेबिट हुआ तो कुछ ना कुछ क्रेडिट हुआ, क्या क्रेडिट हुआ? कैपिटल क्रेडिट हुआ, पक्का? फिर आप बैंक से लोन लिए तो आपका कैश देखिए डेबिट हुआ, जब कैश डेबिट हुआ तो कुछ ना कुछ क्रेडिट हुआ, क्या क्रेडिट हुआ? बैंक लोन क्रेडिट हुआ। जब मोबाइल खरीदे तो आप देखिए कि आपका कैश क्रेडिट हो रहा है तो कुछ ना कुछ डेबिट होगा, तो क्या डेबिट हुआ? मोबाइल डेबिट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को है? समझ में आ रहा है? चलिए, तो आप लोग को बोलना कैसे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कराते हैं, ये आपको हम सिखा दिए, एक्चुअली इतना ही है, लेकिन अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है? चलिए, प्रैक्टिस कराने का नियम बता, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे प्रैक्टिस कीजिएगा। एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स, पहले हम लिख लेंगे, बेस हो जाएगा हमारे पास। नहीं, अब नियम कितना आसान है, बढ़ेगा तो सेम, घटेगा तो उल्टा, गलत की सही। चलिए एक एक करके पूछ रहे हैं। लोन फ्रॉम शर्मा जी, सिमरन आप बताइए क्या होगा? सबसे पहला हम वो पकड़, बताने का तरीका, सबसे पहला पकड़ेंगे हम कैश, एसेट्स में कैश को पकड़ेंगे, नहीं तो सिमरन बताइए क्या होगा सबसे पहला, हड़बड़ाना नहीं, टाइम लीजिए आराम से। सिमरन, किसी का नाम सिमरन है ना? सिमरन क्या होगा, आपके शर्मा जी से लोन लीजिएगा तो क्या होगा? कैश, कैश क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? लायबिलिटीज, तो शर्मा जी नाम का लायबिलिटीज घटेगा कि बढ़ेगा? लायबिलिटीज आपका लोन लेंगे तो शर्मा जी नाम का लायबिलिटीज घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा। सिमरन जल्दी बताइए, फाइनली बताइए, घटेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा, वेरी गुड। चलिए तो नियम क्या बोलता है, बढ़ेगा तो क्या, कैश बढ़ा तो क्या करेंगे हम, डेबिट सेम करेंगे। चलिए शर्मा जी का लाइबिलिटीज बढ़ा तो क्या करेंगे, इससे मैच करेंगे, क्या करेंगे, सेम करेंगे कि ऑपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे? सेम करेंगे, क्रेडिट। यहाँ पर डेबिट क्या हुआ, सिमरन डेबिट क्या हुआ? समझ में आ रहा है कष्ट आपको? हाँ? हाँ, तो हम भी तो बोल रहे थे, धीरे बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे हम। क्रेडिट क्या हुआ सिमरन बताइए। शर्मा जी, शर्मा जी शर्माते हैं, नहीं इधर सिमरन भी शर्मा रही है, नहीं सिमरन भी शर्माती है क्या? जोर से क्यों नहीं बोलते हैं आप? सिमरन डेबिट क्या हुआ, क्या हुआ डेबिट? डेबिट हुआ कैश, शर्मा जी हुए क्रेडिट, तो एक डेबिट हुआ एक क्रेडिट हुआ। चलिए ठीक है, ऐसे डरिएगा तो कैसे होगा, अब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। चलिए मंत्र साहब बताइएगा, ठीक है, आप एक को टीवी खरीदे, टीवी परचेज्ड, तो बताइए मंत्र साहब क्या होगा, टीवी खरीदेंगे तो क्या, कैश, कैश क्या होगा, कैश घटेगा, एकदम सही। उसके बाद क्या होगा, टीवी क्या है आपके लिए, टीवी क्या चालू हो जाएगा,
उड़ जाएगा। टीवी क्या होगा? टीवी क्या है आपके लिए? पहले ढूंढिए कौन सा अकाउंट है आपके लिए। टीवी एक्सपेंस है, इनकम है, कैपिटल लाइबिलिटीज एसेट्स है। टीवी क्या है आपके लिए? टीवी क्या है? एसेट्स है। इतना टाइम क्यों लगाते हैं? टीवी आपका एसेट्स है, तो टीवी खरीदे तो आपके घर में एसेट्स बढ़ा ही घटा? बढ़ा, बिल्कुल, संपत्ति बढ़ा। हिंदी में ऐसा लगता नहीं, संपत्ति बढ़ा, एसेट्स बढ़ा। चलिए तब नियम लगाएंगे, कैश घटा और कैश एसेट होता है, तो क्या करेंगे? सेम करेंगे कि उल्टा करेंगे? डेबिट का डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे, बिल्कुल सही। और टीवी बढ़ा तो डेबिट। चलिए तो इसमें डेबिट क्या हुआ? टीवी। और क्रेडिट क्या हुआ? कैश। पक्का? चलिए तो आप लोग को हम लोग, रुक जाइए, टाइम कितना है? 2 को बनाने के लिए देते हैं। 2 को बना करके दिखाइए, तो चलिए बना करके दिखाइए। फी पेड, एक बनाइए फी पेड। दूसरा बनाइए फी रिसीव्ड, जैसे हम बनाए वैसे। फी पेड और फी रिसीव्ड। सदर आप दिखाइएगा नहीं, क्योंकि आपका ही सब आसान लगेगा आप लोगों को।